जिस चीकू के पौधे में कभी फूल ना आता हो, नई नई पत्तियां ना निकलती हो, पौधा सुस्त पड़ चुका हो, आज के इस वीडियो में मैं दो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको दिखाने वाला हूं। ये देख सकते हैं फर्टिलाइजर, ये देखिए ब्लैक कलर का है, ये डीएपी नहीं है भाइयों, ना ये सीविड है और ना ये बायोजाइम है, ये कौन सा फर्टिलाइजर है आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं सादा पानी, ये भी एक फर्टिलाइजर है और इन दोनों के इस्तेमाल से मात्र 10 दिनों में चीकू के पौधे में बम्पर फूल आ जाएंगे। ये बहुत ही कमाल का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये देख सकते हैं ये दो फर्टिलाइजर है और इसका इस्तेमाल मैंने अपने चीकू के पौधे पर पहले भी किया है और आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में ये दो बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की आपको जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी डोज कब देनी है ताकि आप भी चीकू के पौधे में इनका इस्तेमाल करके प्रचुर मात्रा में चीकू प्राप्त कर सकें। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए फिर रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोगों के चीकू के पौधे में फूल ही नहीं आ रहे हैं, साल दो साल हो गए कोई फूल नहीं आया और फूल अगर आ भी गए तो फल नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले मेरे चीकू के पौधे की ग्रोथ देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल बरगद जैसा घना हो गया है। फूल दिखा दीजिए कितने फूल आ रहे हैं, पास से दिखाइए जरा जूम करके कितने फूल आ रहे हैं, फूल ही फूल आ रहे हैं। और साथ में यहाँ देखिए चीकू भी लगे हुए हैं, ये दिखाइए यहाँ चीकू, ये देखिए यहाँ चीकू लगे हुए हैं, ठीक है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब चल रही है, ये देखिए हजारों की संख्या में आपको चीकू दिखाई देंगे, साथ में नई नई कोपले भी आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं अपने पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करता हूँ और ये पौधे भी खुले आसमान के नीचे लगे हुए हैं, कोई ग्रीन नेट फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं लगी हुई है और देखिए बिल्कुल हरे भरे हैं। अब चीकू का पौधे से ज्यादा चीकू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको जो जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, आपका पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए। ये देख लीजिए इसका ग्राफ्टेड पोर्शन दिखाइए, नीचे स्टेम दिखाइए इसका, ये देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन देख लीजिए, ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड पोर्शन और ये देखिए ये सारे प्लांट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ग्राफ्टेड प्लांट हैं और आपको भी ग्राफ्टेड प्लांट ही लेने चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने इस प्लास्टिक की बाल्टी में लगे चीकू के प्लांट पर अपना प्रयोग करके दिखाया था, कुछ फर्टिलाइजर दिए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उस वक्त इस चीकू के पौधे पर एक भी फूल नहीं आ रहे थे, लोगों ने मजाक समझा, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं ये सभी जितनी नई नई पत्तियां निकल रही सब में फूल आ गया। मैंने उसमें जो जो फर्टिलाइजर दिया था, अगर आप वो फर्टिलाइजर देंगे तो जल्द से जल्द फूल आ जाएंगे। 15 दिनों पहले मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये देख सकते हैं यहाँ तक कि इस छोटे से थाई चीकू के प्लांट में भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखिए सामने रिजल्ट कितना बेहतरीन आ गया है, फ्लावर आ चुका है। ये पौधा जो है बहुत छोटा है अभी, लेकिन तब भी फ्लावर आ गया है, ये देख सकते हैं ये थाई चीकू का प्लांट है। लगा कहाँ है ये देख लीजिए, मिट्टी के 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये देखिए फ्लावर आ चुका है, यहाँ देखिए फ्लावर आ चुका है, ये प्लास्टिक में लगा हुआ चीकू के यहाँ पर देखिए 4 प्लांट लगे हुए हैं। ये काला पत्ती है, क्रिकेट बॉल है, ये थाई चीकू है, थाई चीकू लंबा लंबा होता है और प्रचुर मात्रा में देखिए इस बार काला पत्ती चीकू में ये देखिए फ्लावर आया हुआ है। और आप लोगों की शिकायत रहती है कि फूल तो बहुत आते हैं जय जी, लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं होता, तो देख सकते हैं कि इस तरह के फूल आते हैं जब फूल खिल जाए, यहाँ देख लीजिए इस तरह से फूल खिल जाए तो पॉलिनेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आप लोग फलदार पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन गुलाब का पौधा, गेंदा का पौधा और बेला का पौधा यानी कि फूल वाले पौधे नहीं लगाते हैं, जो कि आप लोगों को लगाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि फलदार पौधे ही खाली लगा के आप फल प्राप्त कर लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, आपको फूल वाले पौधे भी साथ साथ में लगाने चाहिए। कोई भी पौधा, गुड़हल का ही पौधा आप क्यों ना लगाएं, लेकिन फूल वाले पौधे लगाने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो इस टाइप से आपको हल्का सा मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं इस तरह से फूल आपको पकड़ना है और यहाँ पर देखिए पिंचिंग कर देनी, हल्का सा एक बार दबा देना है और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। हालांकि हवा द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, ये देख सकते हैं छोटे छोटे चीकू यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं। और चीकू के पौधे से चीकू प्राप्त करना बहुत ही आसान है और मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंडर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसी प्लांट पर मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और देखिए 1.5 वर्ष के बाद पहली बार इसमें देखिए कितने सारे फूल आए हैं और इस बार चीकू भी लगने वाले हैं। पौधा देख लीजिए हरा भरा है, बिल्कुल बरगद जैसा घना हो गया है और आपका पौधा भी ऐसे ही
घना हो जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत सारे चीकू इसमें जगह जगह लगे हुए हैं और बहुत सारे चीकू इसमें से मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि समय समय पर मैं इन पौधों को फर्टिलाइजर देता रहता हूँ। चीकू साल में दो बार लगते हैं, यानी कि ये बारहमासी की तरह बिहेव करता है। तो फर्टिलाइजर कम से कम जो मेन फर्टिलाइजर है दो बार देना चाहिए, और उसके बाद बीच बीच में भी कभी कभी फर्टिलाइजर देना चाहिए। यानी चीकू के पौधे को साल में कम से कम चार बार फर्टिलाइजर देना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। और आप लोगों को कीट मकोड़ों से बचाने के लिए इस प्लांट पर जो है नीम ऑयल का निरंतर स्प्रे करना चाहिए। 1500 ppm का ले लीजिए, चाहे 3000 ppm का ले लीजिए, एक बार स्प्रे अवश्य। किसी भी फलदार पौधे से फल प्राप्त करने के लिए कई माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और साथ में प्राइमरी फर्टिलाइजर की। प्राइमरी फर्टिलाइजर की बात करूं तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, ये आपको पौधे को प्रोवाइड कराना होगा, चाहे वर्मी कंपोस्ट के रूप में, चाहे स्टोन डस्ट मार्बल पाउडर के रूप में, या कोई भी माध्यम हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिकल, किसी भी रूप में प्रोवाइड कराना होगा, और साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट देना होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि समय समय पर आपको माइक्रो न्यूट्रेंट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम लोग ये जो गार्डनिंग कर रहे हैं गमले में कर रहे हैं और रोज पानी देते हैं, तो काफी पोषक तत्व क्या होता है कि पानी के रास्ते वॉश आउट हो जाता है और पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है, या फिर पौधा कभी कभी रूट बाउंड हो जाता है। तो समय समय पर आपको चेक करते रहना है, कहीं आपका पौधा रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। फिलहाल अभी मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, तो अभी रूट बाउंड नहीं है। मैं बरसात में एक बार फिर से चेक करूंगा, अगर रूट बाउंड हो गया होगा तो मैं इसकी रूट की हल्की सी ट्रिमिंग करके जो इसमें फिर से फर्टिलाइजर दूंगा। जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये फ्लावर, यहाँ देखिए ये फ्लावर धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो इस टाइप का अगर फ्लावर ओपन दिख जाए और आपको लगे कि आपके यहाँ छत पर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो हल्का सा ऐसे पिंच कर देंगे तो ये कुछ दिनों में यहाँ पर चीकू बन जाएगा। लेकिन ये चीकू तब बनेगा जब आपके पौधे में सभी पोषक तत्व पूरी तरीके से पूरे होंगे। अब किसी फर्टिलाइजर की कमी हो गई, या नाइट्रोजन की कमी हो गई, या पोटेशियम की कमी हो गई, या फिर फास्फोरस की कमी हो गई, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लोगों की शिकायत ये रहती है उनके चीकू के पौधे की पत्तियां गिरी जा रही हैं। तो पत्तियां गिरने के बहुत सारे कारण हैं। उसको प्रचुर मात्रा में फुल सनलाइट चाहिए, क्योंकि चीकू का पौधा जो है फुल सनलाइट वाला पौधा है, तभी अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और आप सोचेंगे कि छांव में रख के चीकू के पौधे को ग्रोथ ले लें, तो ग्रोथ लेना मुश्किल है, ये देख सकते हैं। और मेरे ये पौधे करीब दो वर्ष के हो चुके हैं, और देखिए घना हो चुका है ये मेरा प्लांट। और ये लगे हुए हैं 15 इंच के हाफ ड्रम में, ये देख सकते हैं, ये बड़ा वाला ड्रम नहीं है, और मैंने ईंट पर इन्हें रखा हुआ है, और ये प्लास्टिक की बाल्टी में है। और ये वाला जो प्लांट आप बगल में देख रहे हैं, ये थाई चीकू का प्लांट है, और इसमें से कुछ प्लांट ऑनलाइन आए थे और ये मैं लोकल नर्सरी से लेके आया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फर्टिलाइजर मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वह कौन सा फर्टिलाइजर था, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दो फर्टिलाइजर दिखाए थे और बताया था कि ये DAP नहीं है, ना ये सीविड है, ना ये है बायोजाइम, ये कौन सा फर्टिलाइजर है। और ये ग्लास में जो फर्टिलाइजर आपको दिखा रहा हूँ इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी ले लेना है, ये देख सकते हैं, और इसे उस पौधे में आपको प्रयोग करना है जिस पौधे में कभी भी चीकू के पौधे में फूल ना आया हो, या फूल आ रहे हो और फल ना बन रहे हो, तो उस पौधे में आप इसको ट्राई करना, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए मैं डोज भी बता रहा हूँ, ये देखिए ये ऑर्गेनिक है, और ये देख सकते हैं ये मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है, ये है ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल, ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये भी बताऊंगा कि इसका डोज आपको कितने दिनों के बाद दोबारा देना है। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल लिया हुआ है, और इस पानी में देखिए मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं, और कुछ ही देर में ये जो ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल है घुल जाएगा। आपको वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही काम की चीज है और 100% अजमाया हुआ नुस्खा है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सफेद रंग का ये जो पाउडर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये 1 ग्राम आपको लेना है, देख लीजिए सफेद रंग का पाउडर, ये है बोरोन, और यही इस ग्लास में मिला हुआ है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये मैंने वीडियो में इसलिए दिखाया था बोरोन ग्लास में, ये जो व्हाइट कलर का हो जाता है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बोरोन मिला दिया है, ये देख सकते हैं बोरोन,
अब इससे होगा क्या ये भी समझ लीजिएगा। देखिए ह्यूमिक एसिड और बोरोन डबल डोज मैं देने जा रहा हूं, इससे क्या होगा कि जो ह्यूमिक एसिड है ये जड़ों का विकास अच्छी तरीके से करेगा। जब जड़ नीचे अच्छी तरीके से फैलेगी, स्वस्थ होगी, तो पत्तियां भी अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन निकलेगी। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन पत्तियां निकल रही है, साथ में फ्लावर भी आएगा। बोरोन क्या होता है कि फूलों की मात्रा को बढ़ाएगा और जो फल लगे हुए हैं वो फटेंगे भी नहीं। तो अपना अपना रोल होता है। क्योंकि हम लोग गार्डनिंग छत के ऊपर कर रहे हैं तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो एक लीटर मैंने ये जो लिया है ये एक गमले के लिए पर्याप्त है। 1 ग्राम बोरोन और ये ग्रेन्यूल 1 चम्मच आपको लेना है और ऑर्गेनिक का प्रयोग करना है। अगर आप चाहें तो केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं, लेकिन उस पौधे में आपको देना है जिसमें कि फूल ना आ रहा हो या फूल बनने के बाद फल ना बन रहा हो, तो इस टाइप से आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पौधे में फूल भी आ रहा है और फल भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ और मैं इस प्लास्टिक की बाल्टी वाले पौधे में प्रयोग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पहले मैंने कुछ फर्टिलाइजर बनाया था और उसमें फर्टिलाइजर मैंने बोरोन का इस्तेमाल किया था और मुझे रिजल्ट मिला और आपके सामने है रिजल्ट, ये देख सकते हैं फ्लावर आ चुका है। और दोबारा से मैं बोरोन प्लस ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपने इस प्लांट में करके आपको दिखाऊंगा। तो 1 लीटर ये देखिए फर्टिलाइजर है पूरा मैं डाल दूंगा। हवा आज बहुत तेज चल रही है और थोड़ा बहुत देखिए मैं इस थाई चुके के प्लांट में भी डाल दूंगा ताकि ये भी अच्छी ग्रोथ दिखा सके। ये देख सकते हैं पौधा हरा भरा है, पूरी तरीके से स्वस्थ है। गमला देख लीजिए कितना छोटा गमला है, 10 इंच के गमले में देखिए फ्लावर आ गया है। अब सोचिए ये फर्टिलाइजर कितने काम का है। और ऐसे ही करके मैं अपने चीकू के पौधे की ग्रोथ को मेंटेन रखता हूँ, समय समय पर फर्टिलाइजर देता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये फर्टिलाइजर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कौन सा है और मैंने बता भी दिया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा और डोज भी बता दी कि 15 दिनों के बाद दोबारा रिपीट करना है। आज के इस वीडियो में मैंने 2 फर्टिलाइजर ह्यूमिक एसिड और बोरोन का इस्तेमाल अपने पौधे में करके दिखाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल आप अपने पौधे में ले सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। वीडियो भाइयों अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।